रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे अंकिता, आपको क्या लगता है सबसे बैडएस कौन है लॉकअप पे? आई थिंक वैसे बैडएस तो सबको ही है, यू कांट से कि कोई एक बैडएस हो सकता है, लेकिन यू नो मुझे जो सबसे बैडएस लगता है आई थिंक वो है पायल। Payal, I want to tell you this. I really like you. The way you are playing it, I don't know. There is the power. जैसे आप हो इतने straightforward, मुझे अच्छा लगता है वैसा. You know, जो दिल से आप बोलते हो, see, मुझे ऐसा लगता है कभी किसी से डरना नहीं चाहिए. जो भी हम करते हैं, हम जो लगता है, चाहे वो गलत भी हो सकता है कभी कभी. It's not a compulsion कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ भी होती हैं. But आप जो हो, आप फेस पर हो. पर यहाँ हर कोई बहुत अच्छा खेल रहा है. आई नो निशा सो वेल. निशा, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. आई एम लविंग यू. आई कैन सी योर मदर, आई कैन सी योर फ्रेंड, आई कैन सी एवरीथिंग इन यू. एंड यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली ग्लोइंग. यू आर लिटरली ग्लोइंग. और तू बेबी की बिल्कुल टेंशन मत कर, वो एकदम मस्त खेल रहा है, कूद रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है. सो द वे यू आर प्लेइंग इट, प्लीज कीप एंजॉइंग योर गेम. एंड आई थिंक यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक. और मैं और विक्की, हम दोनों आपके शो के सबसे बड़े फैन हैं. मैं अभी भी सुबह उठते से, मैंने कल रात को एपिसोड नहीं देखा था, तो मैंने लिटरली सोचा मैं पूरा कंप्लीट करके जाऊंगी, तो मैं बता सकती हूँ मैंने क्या क्या देखा है लास्ट. बट यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक. हाय अली, तेरे लिए भी विक्की का मैसेज है. आई थिंक ही इज विक्कीज फ्रेंड. ओके, सो विक्की ने बोला है कि अली यू आर डूइंग फैंटास्टिक, एंड जैसा कर रहा है उससे थोड़ा अपना गेम थोड़ा और, यू नीड टू यू नो अपने आप पे काम करना बहुत जरूरी, बिकॉज बाकी सब लोग बहुत एक्टिव लगते हैं, तो कहीं कहीं थोड़ा स्लो हो जाता है. सो कीप डूइंग दैट. Thank you so much. अच्छा, मैं अब अंकिता से बहुत मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ. अच्छा. तो इन्होंने इतना देखा है लॉकअप और रोज देखती हैं, तो अंकिता अगर आप कैदी होती हाँ जी, तो आप दोनों में से कौन सा ब्लॉक चूज करती और क्यों? आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है. yes. सच में बहुत डिफिकल्ट है. यू नो आई थिंक निशा उस साइड में है. मैं थोड़ी बायस रहना चाहूंगी बिकॉज शी इज माई फ्रेंड. एंड पायल उस तरफ है, तो यू नो बिकॉज आई रियली लाइक द वे शी इज कंगना, फ्रेंकली. एंड मैं ऑरेंज टीम के साथ रहूंगी डेफिनेटली. थैंक यू. मुझे ऐसा लगता है पवित्र रिश्ता एक शो जो है वो चल रहा है, ऑल बालाजी पे आ चुका है, लेकिन मुझे जेन्यूनली एक चीज लगती है कंगना, कि आपके इस लॉकअप के अंदर एक और पवित्र रिश्ता पनप रहा है धीरे 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 धीरे. बता सकते हो वो कौन सा पवित्र रिश्ता? अच्छा, आप लोगों में से बता सकते हो आप लोग को कि वो पवित्र रिश्ता कौन सा हो सकता है? एनी आइडिया? एनी गेस? I'm sure you guys know that, guys. Munawar and Anjali. Yeah. Anjali. मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, if you don't mind. कंगना. तो इन्होंने अपनी एक जो पवित्र रिश्ता है जो हमारे लॉकअप में पनप रहा है उसकी कुछ झलकियां बनाई हैं. देखिए. शिट यार, ये क्या है? कुछ तो तू भी कह दे. खामोशी तेरी आती है तूफान लेके. रातें कटती नहीं, दिल भी इम्तिहान लेते. ये मेरे हाल दिल की तुझे जिम्मेदार कहते. जलते आशिक तब जाके बनता है काजल तेरा. चेहरे से ब्लश दिख रहा है. Were you taking time? सारे अभी पिटेगा ये मालूम है. तू है तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें सीधी लगती है. टिकटॉकर लोग 10 सेकंड ही रहते. चलिए तेरे बिना मेरा सॉरी बोल सा तू बिना गुजारा छटक ना जावी मैनू तू ही है सहारा. क्या हुआ अंजलि? अरे मुनव्वर, तुम तो पूरे रोमांटिक हीरो निकल के उभर के आए. तुम पवित्र रिश्ता यहाँ पे एक पार्टी थ्री चल रहा है साथ ही है. बट अंजलि, आपको क्या लगता है, कैसा लगा बेटा देख के अपने आप को इतने रोमांटिक एंगल में? कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसा लगा सच बता दो. देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि
मोर देन आई थिंक मुनावर यू हैव दैट फीलिंग यू नो. मैंने देखा था कल भी एपिसोड जिसमें यू गॉट अप, वो सोया हुआ था, तुमने उसके पांव दबाए, यू नो दैट्स अ फीलिंग. आई विल नॉट से एनी पवित्र रिश्ता जरूरी नहीं सिर्फ लवर्स में हो सकता है. आई थिंक पवित्र रिश्ता एक फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, वो किसी चीज में भी हो सकता है. उसके वो चोट लगी हुई है तो डॉक्टर ने, जब वो डॉक्टर आए थे तो वो बोलकर गए थे कि उसको इस कंधे पे नहीं सोना है. और जब मैं उठी थी वॉशरूम जाने के लिए तो मैंने देखा कि वो इस कंधे पे सोया हुआ है, तो उसको मैंने सीधा किया और उस टाइम पे उसके लेग में पेन हो रहा था, तो उसने बोला मेरे पेन हो रहा है, वो पिल्लो लगा दे. तो उसको मैंने दबा के उसमें पिल्लो लगा दिया था, दैट्स ऑल. वेरी गुड गर्ल. हम लोग आपको ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं करना exactly. चाहिए था. आपने अपने प्यार की जो भावना जताई हमें बहुत अच्छी लगी. एज अ ऑडियंस हमें देखने में बड़ा मजा आ रहा है तुम दोनों को और तुम्हारी केमिस्ट्री को. एंड आई वॉन्ट टू से समथिंग, जब आप ऐसा कोई रियलिटी शो करते हो ना, उसमें आपको एक ऐसा कोई सपोर्ट मिल जाता है, यू नो, एक साथ मिल जाता है ना, तो आपका खेल और अच्छा हो जाता है. सो यू बोथ आर लुकिंग वेरी क्यूट टुगेदर. मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आई रियली विश कि आप इस घर से निकलो तो आपका ये पवित्र रिश्ता और स्ट्रॉन्ग. मुन्ना, तुम्हारी शक्ल से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें बाहर जाके किसी से बहुत जूते पड़ने वाले हैं? नहीं, तुम्हारी शक्ल पे ना एक और शक्ल मंडरा रही थी. नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ. मैं वही हाथ ऊपर गया कि अभी बाहर, यहाँ से बाहर जाने के बाद कोई तो होगा यहाँ भी जिसके इतने सारे स्क्रीनशॉट के हमको जवाब देने. मतलब इनका कोई है, मुझे ऐसा क्यों लगता है. अंजलि का तो नहीं लग रहा, बिकॉज़ शी इज ओपनली, आई कैन सी दैट. मैंने अभी भी बोला कंगना से कि कंगना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शी इज मोर इनटू यू देन यू. बट ये मुनव्वर तो खिलाड़ी है तो इसका डेफिनेटली बाहर होगा. एक है कि दो है कि तीन है, वो नहीं मुझे पता. आपने ये खिलाड़ी, ये साजी षड्यंत्र बोल के ऐसा सबको कर दिया है ना. मैं मुंह बंद करके बैठता हूँ तो इनको लगता है कि मुंह में गिनी है. इतना शक करते हैं तो मुनव्वर, मैं तो तुमको बताओ तो खिलाड़ी होना अच्छा है कि भोंदू होना अच्छा है? खिलाड़ी. हाँ, तो फिर बेटर है ना. खत्म हो गई दुनिया में तो खिलाड़ी होते हैं तो भोंदू होते हैं, बीच में कोई नहीं होता. बट आई रियली लाइक वो केमिस्ट्री और मैं भी फील करता हूँ बहुत अच्छी केमिस्ट्री, हम दोनों की दोस्ती अच्छी है. मैं ठीक है, बाहर जाके दो जूते पड़ेगी कोई बात नहीं, खा लेने का, यहाँ चलने दो. हाँ, वो खा लूंगा जूते तो. बट अभी ऐसा है कि बहुत ही प्योरली फ्रेंडशिप ही फील होती है. अभी तुम इसमें बह जाओ, बहुत प्योर जो है ना वो बह. अंजलि, तुम कितना ब्लश कर रही हो. आई स्वेयर आई कैन सी हर फेस. देखो कितनी खिल खिला के हंसी. दैट वाज मुझे पता है ये फीलिंग.